क्या पाकिस्तान सरकार ने पूर्व भारतीय नौसेना अधिकारी कुलभूषण जाधव को जासूसी के आरोपों पर मौत की सजा सुनाई थी? जाधव की अपनी पत्नी और मां के साथ हुई मुलाकात की तस्वीरें ने शक किया है कि यह किया था। कांग्रेस के सांसद शशि थरूर, जिन्होंने संयुक्त राष्ट्र के लिए एक शीर्ष राजनयिक के रूप में काम करने वाले कई सालों से बिताया, ने समाचार एजेंसी ANI को बताया कि बहुत से लोग जो उनके मुकाबले अधिक जानकार थे, वे इस राय के थे कि यातना के लक्षण थे। तस्वीरों में से एक में, जिसे कुलभूषण जाधव की अपने परिवार के साथ बैठक में लिया गया था, उसके दाहिने कान चोट के लक्षण दिखाते हैं। यहाँ उस तस्वीर का क्लोजअप है। एक ट्वीट में कार्यकर्ता और राजनेता शहजाद पूनवाला ने अमानवीय पाकिस्तान सरकार को झुठलाया और कहा कि जाधव के सिर और कान पर यातना के घाव थे। पाकिस्तान ने कुलभूषण जाधव को दो परिवार के सदस्यों को मानवतावादी आधार पर पूरा करने की अनुमति दे दी, जिसके बाद उन्हें मौत की सजा सुनाई गई थी। जाधव की मां और पत्नी पाकिस्तान के साथ भारत के उप उच्चायुक्त JP सिंह के साथ थे। बैठक में हमारी पूरी रिपोर्ट पढ़ने के लिए